वज़ीर आला बलोचिस्तान में सरफराज भुगती की ज़ेर सदारत आइंदा माली साल के बजट से मुतालिक जायजा इजलास हुआ। वज़ीर आला बलोचिस्तान का कहना था कि आइंदा माली साल के बजट में तालीम, सेहत और बेहतर सर्विस डिलीवरी अव्वलीन तरजीहात होंगी। तमाम तरक्याती मंसूबों की DAC 1 माह में मुकम्मल कर ली जाएगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने हिदायत देते हुए कहा है कि गैर सूद मंद ऑन गोइंग तरक्याती मंसूबों पर नजरसानी करके दस्तियाब वसाइल इज्तमाई अवामी बहबूद पर खर्च किए जाएंगे। तरक्याती मंसूबे अवामी जरूरियात से हम आहंग करने के लिए PSDP में मेजर सर्जरी की जरूरत है। बजट में इनफरादी मंसूबों और पसंद नापसंद के बजाय बलूचिस्तान के लोगों का इज्तमाई मफाद सामने रखा जाएगा। सियासी मसलहतों के नुक्ता नजर अवामी मफाद मद्देनजर रखना जरूरी है। वजीर आला बलूचिस्तान ने यह भी कहा कि बजट के समरात आम बलूचिस्तानी तक पहुंचना जरूरी है। गैर जरूरी असामियों को अच्छा जरूरत की हामिल असामियों में कन्वर्ट किया जाए। इजलास में सूबाई वजीर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट मीर जहूर अहमद बुलेदी, वजीर खजाना मीर शोएब नशरवानी ने शिरकत की। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी तरक्यात हाफिज अब्दुल बासित, सेक्रेटरी खजाना बाबर खान, चेयरमैन बलोचिस्तान रेवेन्यू अथॉरिटी नूरुल हक बलोच, प्रिंसिपल सेक्रेटरी इमरान जरकून, स्पेशल सेक्रेटरी असफन यार बलोच ने भी शिरकत की। इजलास में महकमा तरक्यात व मनसूबा बंदी और महकमा खजाना के आला हुक्काम भी शरीक थे। वश न्यूज़, क्वेटा बलूचिस्तान।